अंकलेश्वर हाईवे पर आवेल नंबर मार्केट में प्लास्टिक ना भंगार ना गोदाम में आग लागता कलाकों की मेहनत बाद फायर ब्रिगेड आग पर काबू मेळव्यो हतो। अंकलेश्वर में फरी एक बार स्क्रेप मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। नोबल मार्केट ना स्क्रेप ना गोडाउन में लागेली आगे आसपास ना गोडाउन ने पण चपेट में लीधा था। पड़भर में आगे विकराल स्वरूप धारण कर लीधु हतु। घटना ने पगले 2 किलोमीटर थी 4 किलोमीटर दूर सुधी काळा डिबांग धुआणा गुना गोटे गोटा उड़ते नजरे पड़िया था। अंकलेश्वर में आवेला औद्योगिक एकम में अनेक वक्त कंपनियों में आग लागवाना बनाव बनता होय छे। तो अंसार मार्केट नोबल मार्केट जेवा स्क्रेप मार्केट में भंगार ना गोडाउन में आग लागवानी घटना छास बनती हो त्यारे आज रोज फरी एक बार अंकलेश्वर नोबल मार्केट में आवेल प्लास्टिक ना भंगार ना गोडाउन में आग लागवानी घटना बनी थी। घटना बाबत नी जाण फायर ब्रिगेड ने कराता फायर ब्रिगेड ने टीम घटना नी जाण थतानी साथे तात्कालिक फायर टेंडरो घटना स्थले जवा रवाना थया था। सवारे 11:15 अरसा में आगे विकराल स्वरूप में नजरे पड़ता जेना ऊपर काबू मेळववा फायर नी टीमो दौड़ती थई हती। अंदाजित 8-10 जेटला फायर ना लाइव बंबाओ घटना स्थल पर दौड़ी आव्या हता। अंकलेश्वर તેની આસપાસ આવેલ સ્ક્રેપ માર્કેટમાં વારંવાર આગની ઘટનાઓ બનતી હોય છે। આ ઘટનાઓ નુકસાન કરતા પર્યાવરણ માટે મુશ્કેલીઓ વધુ ઊભી કરે છે। એક તરફ પર્યાવરણને પહેલાથી જ ઔદ્યોગિક એકમોને લઈને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તેવામાં આવી આગ લાગવાની ઘટનાને લઈને એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સમાં વધારો જોવા મળતો હોય છે। સ્ક્રેપ માર્કેટમાં વારંવાર લાગતી આગની ઘટના પણ તપાસનો વિષય બની છે। ત્યારે આજે ફરી એકવાર અંકલેશ્વરમાં વડકોદરામાં આવેલ નોબલ માર્કેટના પ્લોટ નંબર 6, 7 અને 8 ઉપર આવેલ ભંગાર प्लास्टिक ना गोडाउन में आग लागी थी। अंकलेश्वर नजीक भड़कोदरा मौका में नोबल मार्केट में प्लॉट नंबर 6, 7, 8 में अचानक 10:30 ना सुमारे आग लागी थी। आ भंगारू गोडाउन में प्लास्टिक ना वेस्ट भेगू करी अने एने काम करता था ते वखते अचानक आग लागेल छे। आग क्या कारण से लागी थी जाणवा मळेल नथी, पण स्थळे 8-9 जेटला फायर टेंडरो हाजर छे अने आग बुझावानुं काम चालू छे। कोई जानहानि थयेल नथी। आजूबाजूना तथा पोलीस स्टाफ अने फायर अधिकारी तमाम स्थले हाजर छे। आजे अंकलेश्वर नजीक नेशनल हाईवे आगळ नोबेल स्क्रेप मार्केट एरिया है, तेमा स्क्रेप ने प्लास्टिक ना गोडाउन में आग लागेली कोई अगम्य कारण होसर तो घटनानो माहिती मळता ટીપીએમસી ફાયર સ્ટેશન પર તાત્કાલિક અમારી ટીમ રવાના થઈ ગઈ। આગની ઘટના વધારે હોવાથી પાનોલી નગરપાલિકા ભરૂચ ઝઘડિયા બધેથી તથા પ્રાઇવેટ કંપનીઓના ફાયર ટેન્ડરો પણ મદદ માટે બોલાવેલા। 1.5 કલાકની જહેમત બાદ આગ હવે કાબૂમાં છે। હજુ કુલિંગ ઓપરેશન ચાલતા 2 કલાક જેવું કોઈ જાનહાનિ કોઈ જાનહાનિનો મેસેજ નથી।